नमस्ते दोस्तों, मैं हूं ओंकार अदाटे। आप देख रहे हैं एक्सप्लोरिंग इंसैनिटी, खाबों का सफर, द गियर शो। और नाम के अनुसार ही हम इसमें नई नई और बढ़िया चीजें जो हम ट्रैकिंग, कैंपिंग और हमारे रोज के जीवन में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बारे में बात करने वाले हैं। ये सीरीज हिंदी के साथ ही इंग्लिश और मराठी में भी अवेलेबल है और इसका इंग्लिश में पॉडकास्ट भी अवेलेबल है और जिसकी लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नवंबर से फरवरी के महीने मुख्यतः भारत में कैंपिंग के लिए सबसे योग्य है और अभी जो ट्रैवल ट्रेंड चल रहा है उसके अनुसार बैकपैकिंग और सोलो ट्रैवलिंग इंडिया में द नेक्स्ट बिग थिंग बनने वाले हैं। तो चलिए, हमारे लिए एक परफेक्ट कैंपिंग टेंट ढूंढते समय कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए ये देखते हैं। एक, कितने आदमी वो टेंट इस्तेमाल करने वाले हैं, ये टेंट चुनते समय एक बेसिक प्रश्न है। आमतौर पर व्यक्तियों की संख्या टेंट पर दी गई होती है, पर हमें उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए क्योंकि वो उतने व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है जितने व्यक्ति उस टेंट में टाइट फिट होंगे। और इसीलिए अगर हमारे साथ थोड़े स्वस्थ व्यक्ति टेंट में सोने वाले हैं तो सबको थोड़ी परेशानी हो सकती है। तो इसीलिए आराम के दृष्टिकोण से एक 3-person टेंट में 2 व्यक्ति आराम से सो सकते हैं और उनको उनके बैकपैक और अन्य चीज़ें रखने के लिए जगह भी मिलेंगी। हमें व्यक्ति की हाइट को भी ध्यान में रखना चाहिए। अगर एक लंबा व्यक्ति उस टेंट को इस्तेमाल करने वाला है तो हमें उस हिसाब से एक थोड़ा बड़ा लंबा टेंट चुनना चाहिए। सेकंड, टेंट के प्रकार। हमारे सफ़र के स्वरूप की आवश्यकता अनुसार टेंट को 3 विभिन्न प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। फर्स्ट, बैकपैकिंग टेंट्स। ये टेंट आमतौर पर 3-season टेंट होते हैं जो गर्मी और हल्की बारिश में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ये आपके लिए योग्य साथी है अगर आप सह्याद्रीज या अन्य किसी जगह पर कैंपिंग ट्रिप प्लान कर रहे हो जिस जगह पर बर्फ़ नहीं पड़ती। जब इन्हें अच्छी तरह से रेनफ्लाई के साथ पिच किया जाता है तो ये मध्यम बारिश का सामना भी कर सकते हैं, पर यह एक भारी तूफान का सामना नहीं कर सकते। और इसीलिए अगर हम किसी ऐसे क्षेत्र में कैंपिंग करने वाले हैं तो उसके लिए 3-season टेंट या 4-season टेंट उचित है। सेकंड, माउंटेनिंग टेंट्स। ये 4-season टेंट होते हैं जो भयंकर तेज़ हवाओं का और पर्याप्त बर्फ के भार का सामना कर सकता है। ये कौन से भी ऋतु में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ये 3-season टेंट्स से ज़्यादा पोल्स और हेवी फैब्रिक का इस्तेमाल करते हैं और इसीलिए ये ज़्यादा मजबूत और महंगे भी होते हैं। यदि आप हिमालय या किसी अन्य बर्फीले क्षेत्र में कैंपिंग करने वाले हो तो माउंटेनिंग टेंट आपके लिए उचित है। थर्ड, अल्ट्रा लाइट टेंट्स या शेल्टर्स। ये सोलो ट्रैवलर्स या मिनिमलिस्ट लोगों के लिए है जिन्हें ज़्यादा सामान उठाना पसंद नहीं है। ये टेंट की अपनी सीमाएं हैं और इनका इस्तेमाल सिर्फ अच्छे मौसम में ही किया जा सकता है। इनमें हैमॉक टेंट, बक शेल्टर्स या सिर्फ रेनफ्लाई ट्रैकिंग पोल्स के साथ ऐसे अन्य शेल्टर्स आते हैं। और आगे बढ़ने से पहले, ये वीडियो हमने एल्डोज एडवेंचर इनके सहयोग में बनाया है। ये सारे टॉप एडवेंचर ब्रांड प्रोडक्ट्स के मुंबई बियॉन्ड ठाणे रीजन के अधिकृत विक्रेते हैं और ये डोंबिवली में स्थित है। और सबसे अच्छी बात, आप एक्सप्लोरिंग इंसैनिटी का उल्लेख करके 20% तक एक्सक्लूसिव डिस्काउंट पा सकते हो उनके सभी प्रोडक्ट्स जो उनके स्टोर में उपलब्ध है और जिसकी लोकेशन लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। और ये सारे इंडिया में अपने प्रोडक्ट्स डिलीवर करते हैं। थर्ड, मटेरियल्स। कैंपिंग टेंट्स आमतौर पर कैनवास या सिंथेटिक नायलॉन मटेरियल से बनाए जाते हैं। नायलॉन टेंट्स बैकपैकिंग के लिए बेहतर विकल्प है क्योंकि वे कैनवास टेंट के तुलना में ये हल्के और सस्ते होते हैं, जबकि कैनवास टेंट्स अधिक टिकाऊ होते हैं। टेंट के पोल्स के लिए एल्यूमिनियम पोल्स बेस्ट होते हैं क्योंकि ये मजबूत, हल्के और टिकाऊ होते हैं। सम एडिशनल टिप्स। मेश पैनल्स या जाली वाले टेंट्स एक अच्छा विकल्प है क्योंकि उसके कारण क्रॉस वेंटिलेशन में मदद होती है और कंडेंसेशन काबू में रहता है।
गर्म वातावरण में बड़े मेश पैनल्स वाले टेंट बेहतर होते हैं। रेनफ्लाई एक अलग वाटरप्रूफ कवर होता है जो इस तरह डिज़ाइन किया होता है कि वे टेंट के ऊपर फिट हो और उसके कारण हमें बारिश या ड्यू यानी कि ओस से सुरक्षा मिलती है और ये टेंट में थोड़ी गर्मी भी बनाए रखता है। टेंट्स खरीदते समय हमें ग्राउंड शीट या फुटप्रिंट्स भी लेने चाहिए जो टेंट के नीचे बिछाए जाते हैं और ये टेंट के फर्श को पत्थरों और आदि चीज़ों के कारण खराब होने से बचाता है। अगर आपको छोटी चीज़ें रखने के लिए पॉकेट्स चाहिए या दो दरवाजे ओपनिंग्स चाहिए तो वे फीचर्स उपलब्ध है कि नहीं इसकी भी जांच करनी चाहिए। तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और मैं अगला कौन सा प्रोडक्ट रिव्यू करूँ ऐसा आपको चाहिए। ये वीडियो आपके दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए क्योंकि इससे मुझे ऐसे अनेक वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलेगी। और अंत में इंसेनियंस घूमते रहिए अपना ख्याल रख के और जल्द ही मिलेंगे।